It's a small, beautiful poem, which is having a title, second poem, Wind. It is written by Subramania Bharati. Subramania Bharati is character ne, ya is poet ne, is poem ko likha hua hai. What exactly the poet is asking the wind? Actually, poet is trying to talk with the wind here. Means you are sometimes talking with the or addressing the non-living things. कभी कभी हम non-living things के साथ yes बात करते हैं तो वो भी एक figures of speech आता है जो सभी figures of speeches में से जो 26 के 26 है जब सब समझा दूंगा तब clear करना सर इसको क्यों ऐसा बोलते हैं वो क्यों ऐसा है वैसा है. When I'll explain all the figures of speeches at that time, you will be very clear that why these figures of speeches are used in the following lines. Now, again I repeat, यहाँ पर जो टाइटल है विंड, जो सुब्रमण्यम और सुब्रमणिया भारती जो पोएट है उन्होंने विंड के साथ यहाँ पर कुछ बात करने की कोशिश की है और विंड के साथ साथ उन्होंने आजू बाजू में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नियर बाय हिम, इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट द सिचुएशन. नाउ व्हाट इज ही सेइंग हियर? द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. वी ऑल नो दिस वन. जब जोर से हवा बहती है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा खास करके प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि दीवारें भी गिर सकती है, अगर हल्की फुल्की है तो पतरे उड़ जाते हैं या शीट्स उड़ जाती है या फिर कुछ चीजें फट जाती है, यहाँ तक कि अगर वो विंड भयंकर रूप धारण कर लेता है तो फिर बहुत समस्या हो जाती है. बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. लेकिन इस विंड को हम अपना दोस्त कैसे बनाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू. बट बिफोर वी स्टार्ट द पोयम आई एम गोइंग थ्रू द सेंट्रल आइडिया फर्स्ट. मैं पहले उसकी सेंट्रल आइडिया जो है, ब्रीफ आइडिया जो है वो क्लियर कर देता हूं. दिस पोयम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पोएट्स ऑब्जर्वेशन. एक्चुअली ये पोयम जो है ना तब लिखी गई जब पोएट ने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया कि विंड जब आता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड कम्स, एंड ही इज अ डिवोशन आल्सो. और उसका नेचर के प्रति जो डिवोशन है पोएट का उसको ध्यान में रखकर ये पोयम लिखी गई है. He sees the effects of the wind in general. वो जनरल मैनर में, कॉमन मैनर में, सिंपल तरीके से विंड की वजह से जो असर देखने को मिलता है, वॉट एवर इफेक्ट इज देयर, इज ट्राइंग टू फाइंड आउट वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड व्हेन इट ब्लोज एंड इन जनरल वॉट आर द डैमेजेस डन बाय द विंड एंड ऑफ द स्टॉर्मी वेदर. दूसरा, स्टॉर्मी वेदर की वजह से जो चेंजेस आते हैं तो वो जब वेदर में स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है तो क्या बदलाव होता है, क्या इफेक्ट होता है, तो वो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. He also praises the wind god. यहाँ पर याद रखना, according to Hindu mythology, हम अलग अलग natural elements को भगवान की तरह पूजते हैं, जैसे चंद्र को या सूर्य को या जमीन को यानी कि पृथ्वी को या हवा को, करेक्ट, या पानी को. तो ये सब चीजें एक गॉडली फिगर की तरह जो चल रही है, चलती आ रही थी और अभी भी चल रही है और चलती रहेंगी शायद, मतलब उनको हमें बताना नहीं पड़ता कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा करो, ये करो, वो करो, इसलिए उनको गॉडली फिगर की तरह पौराणिक कथाओं से हम मान्यता देते आ रहे हैं. इसलिए विंड को एक गॉड की तरह मानकर प्रेस करता है पोएट. We are able to appreciate the keenness of the poet's vision. हम पोएट की इस तरह की जो छोटी सी एकदम छोटी सी छोटी जो ऑब्जर्वेशन है, कीननेस जो है या ईगरनेस जो है उनकी विंड की तरफ या नेचुरल एलिमेंट की तरफ देखने का जो नजरिया है, उनका विजन जो है उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. एंड इज यूनिक थॉट प्रोसेस अबाउट समथिंग एज एपरेंटली सिंपल एज द विंड. बिल्कुल विंड की तरह उनकी जो सोच है, विंड की तरह जो प्रोसेस है पोएम के अंदर लिखने के, जो शब्दों का इस्तेमाल है वो भी एकदम सिंपल उस विंड की तरह है. द पोएट इज सजेस्टिंग एवरी वन टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन के अंदर, कौन सी, पोएट यहां पर एक चीज करने के लिए सजेस्ट करता है
कि हम इंसानों को भी बिल्कुल उस विंड की तरह फिजिकली और मेंटली, जैसे हमें फिजिकली और मेंटली फिट रहना पॉसिबल हो सकता है, वैसा वो विंड अपने तरीके से फिजिकली अपना रूप धारण जब करता है तो उसकी मेंटालिटी तो नहीं बता सकते, लेकिन उसको अगर इंसान की तरह माने या गॉड की तरह माने तो वो तभी चीजों को बर्बाद करता है जब बहुत ज्यादा चीज हो जाती है, बहुत हद से ज्यादा हम कुछ चीजें पार कर देते हैं तभी भगवान कुछ भारी नुकसान करता है। तो वैसे उसी मैनर में विंड की तरह हम फिजिकली भी और मेंटली स्ट्रांग बने। ओके, विंड हियर इज द सिंबल ऑफ विंड एक्चुअली इस लेसन में या सॉरी इस पोयम में किस चीज का सिंबल है? इंसान के जीवन में जो डिफिकल्टीज आती है या फिर जो ऑब्स्टेकल्स हम ह्यूमन बींग्स सफर करते हैं, हमें उन चीजों का सामना करते रहना है। We need to face all those obstacles and all those difficulties if we are expecting to survive in this world. अगर हमें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, जीवन जीना है अच्छे से, तो हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बन के इन सब चीजों का सामना करते रहना पड़ेगा, वरना हमारा बचना नामुमकिन है, हमारी मौत निश्चिंत हमें टकरा कर जाएगी। ये बहुत बड़ा मैसेज है पोएम, जब भी कोई पोएम सिंपल होगी ना, समझ लेना उसका मैसेज बड़ा खतरनाक होगा। पीपल विद द स्ट्रांग फिजिक, जिन लोगों का शरीर हट्टा कट्टा होता है, जो अच्छे से डेली एक्सरसाइजेस करते हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस बड़ा स्ट्रांग होता है और उनकी मेंटल हेल्थ भी जब बहुत स्ट्रांग होती है, सच पीपल विल बी एबल टू स्टैंड एंड फेस द ऑड्स और ऑब्स्टेकल्स ऑफ द लाइफ। ऐसे ही लोग आने वाले भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना या ऑड्स या फिर ऑब्स्टेकल्स का सामना करने की ताकत रखते हैं, लेकिन जो कमजोर है फिजिकली या मेंटली, उसे कब टूट के बिखरना पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए पोएट विंड को एक सिंबल मानता है कि वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहे और उसका सामना इंसान भी उसकी तरह स्ट्रांग बनकर करता रहे। लेकिन पोएम की शुरुआत की लाइंस में जब वो सीधा पोएट जब किससे बात करता है, विंड से बात करता है, क्या कहता है? ओ डियर विंड, इन सिंपल वर्ड्स इट इज रिटन ओनली विंड हियर बट आई एम चेंजिंग इट, विंड कम सॉफ्टली। विंड को क्या सजेस्ट करता है पोएट पहली लाइन में? जरा धीरे से बहकर आओ ना भाई, थोड़ा धीरे से गति में आओ, सॉफ्ट मैनर में आओ, क्योंकि जब भी तुम आते हो ना तो सबसे पहले मेरे घर के विंडो के अंदर से घुस जाते हो, और जैसे ही घुसने की कोशिश करते हो तो तुम क्या नुकसान करते हो? सबसे पहला, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। विंडोज के जो हिंज पैनल्स होते हैं, जिनको हम बंद करते हैं खोलते हैं, उनको हिंज पैनल्स कहते हैं, विच वी यूज टू क्लोज एंड ओपन द विंडोज, जब उनको फ्लैप्स भी बोल सकते हैं विंडो की। तो वो जो शटर्स है विंडोज के, उनको कभी कभी तुम इतना जोर से बेकर आते हो ना तो जोर से वो टकराने की वजह से टूट जाते हैं या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे आया करो ना भाई साहब। सेकंड, डोंट स्कैटर द पेपर्स। मैंने अपने घर में शेल्फ के ऊपर इतने अच्छे से बुक्स और सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है, पेपर्स मैंने टेबल पे रखे हुए हैं, उनको उड़ाओ मत यार, उनको उड़ा देते हो तुम और पूरा स्कैटर कर देते हो। थ्रो इट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब टू स्प्रेड समथिंग एवरीवेयर। सो प्लीज माय डियर विंड, डोंट स्कैटर द पेपर्स। सबसे पहला, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ माय विंडो, ओके, एंड सेकंड, डोंट स्कैटर द पेपर्स व्हिच आई हैव अरेंज्ड प्रॉपरली ऑन द टेबल। देन थर्ड ही सजेस्ट, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। मैंने शेल्फ के अंदर मस्त सब बुक्स अरेंज करके रखे, तुम जोर से बहकर आते हो, तुम्हें कुछ पढ़ी तो है नहीं किसी की, और आकर सीधा मेरे बुक्स के अंदर घुस जाते हो और वहां से उनको उठा उठा कर जमीन पर फेंक देते हो। जो हल्की फुल्की, देखो उसमें भी देखो लॉजिक यूज करो एकदम, अगर मोटी किताब है तो वो हिलेगी नहीं, मतलब जो स्ट्रांग रहेगा फिजिकली या मेंटली उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसके खिड़की स्ट्रांग होती तो वो कोई नुकसान नहीं कर पाता। अगर उसके पेपर मोटे मोटे होते, जो होते नहीं है, है ना, तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होता।
और इसलिए यहां से एक सिंबलाइज करता है पहली तीन लाइन में कि जो स्ट्रांग रहेगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और इसलिए वो कहता है प्लीज डोंट थ्रो दोज लाइट बुक्स, यानी कि लाइट मतलब यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे उसको, कि जो हल्की फुल्की किताबें उनको तुम सीधा उठाते हो और फेंक देते हो, यार एक चल क्या रहा है तुम्हारा, देख तो सही एक बार, तू खुद देख ले भाई, विंड को बोलता है पोएट, तुम खुद देखो, देयर लुक व्हाट यू डीड, क्या किया तुमने यहाँ पर, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुम ऐसा क्यों करते हो यार, सीधा आते हो इन सब चीजों को उठाते हो फेंक कर चले जाते हो, उठाना मुझे पड़ता है यार, सब कुछ मैं ही अरेंज करूं, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, एक बार देखते देखते तो जा क्या करके जा रहा है तू, तूने मेरे बुक्स को नीचे गिरा तो दिया लेकिन गिराने से तेरा मन नहीं शांत हुआ, तूने उनके पेपर्स की धज्जा उड़ा के छोड़ी यार, सब बुक्स के पेपर्स इधर उधर बिखेर दिए, यू ब्रॉट रेन अगेन, और आए तो आए साथ में नुकसान करने के लिए, ऊपर से बारिश भी लेकर आ गए, अकेले आ सकते थे ना भाई साहब, साथ में अपने साथ बारिश को क्यों लेकर आ गए, एंड देयरफॉर ही इज ट्राइंग टू गिव अ वार्निंग लाइक यस वार्निंग गिवन टू द ह्यूमन बींग्स, कि तुम साथ में क्या लेकर आए, रेन ड्रॉप्स भी लेकर आ गए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पैरा प्रॉपरली, देन इन द सेकंड वन व्हाट ही सेज, ओके, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट द रेन अगेन, वापस बारिश लेकर आ गए, You are very clever at poking fun at weaklings. बड़े चतुर हो यार तुम, बहुत दिमाग वाले हो. You are very clever at poking fun at weaklings. क्या करते हो तुम? दुनिया में जो भी कमजोर है ना, उनको पोक करते हो. उनको तुम जानबूझ के उनके ऊपर हमला करते हो और पोक करके उनका भारी नुकसान करते हो. Poking at making something very problematic to someone or making fun of someone, और खास करके किसका मजाक उड़ाता है wind, weak bodies का, weak persons का, कमजोर जो है उनका वो मजाक उड़ाता है, क्या बताने के लिए मजाक उड़ाता है, कि तुम जितना कमजोर होगे उतना मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा, उतना तुम्हें मैं छेड़ूंगा, उतना तुम्हें मैं तकलीफ में डाल दूंगा, so he says to the wind that you are very clever, तुम बहुत क्लेवर टाइप के कैरेक्टर हो यार, जानबूझ के गरीब इंसान पर या वीक इंसान पर या वीकलिंग्स पर जानबूझ के अपनी ताकत आजमाते हो, ओके, ध्यान में आया, यू आर ट्राइंग टू शो योर पावर्स टू द वीक कैरेक्टर्स ओनली, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम क्या करते हो, वीक जो है, फ्रेल, फ्रेल मींस वीक, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग मींस destroying or breaking, you are trying to destroy or break those houses which are very weak, झोपड़पट्टी में जैसे होता है ना उन छोटे छोटे पैरे पैरे नाजुक घरों को जिनके अंदर तुम्हें सहने की ताकत नहीं है उनको तुम तोड़ के चले जाते हो, second crumbling the doors, जो हल्के फुल्के दरवाजे है जो एकदम लाइट है जो सही ढंग से चालू बंद नहीं होते या खुलते नहीं है बंद नहीं होते हैं लटके हुए हैं उन दरवाजों को तुम गिरा के चल जाते हो उनको ब्रेक करते हो उनको तोड़ देते हो यू आर क्रम्बलिंग द राफ्टर्स राफ्टर्स हियर इज स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ जब हम किसी छत को बनाते हैं तो उसके नीचे जो खास करके जो सपोर्ट करने के लिए जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को राफ्टर्स कहते हैं द सपोर्टिंग बीम्स पिलर्स उन पिलर्स को ही तुम उड़ा देते हो तो पूरा घर का घर ही नीचे आ जाता है और रूफ भी ऊपर से नीचे गिर आती है इसलिए नीचे जो खंबे हैं या नीचे जो पिलर्स हैं वो पक्के होने चाहिए अगर वो कमजोर हुए ना तो पक्का उन राफ्टर्स को ये विंड आकर गिरा कर जब जाता है ना तो पूरा का पूरा घर तोड़ के चला जाता है यू आर क्रम्बलिंग द वुड ऑल्सो You are crumbling the wood. लकड़ी को भी नहीं छोड़ते जो कमजोर लकड़ी उगी हुई है या रखी हुई है उसको भी तोड़ देते हो लास्ट में देखो क्या कहा है You are crumbling the bodies. इंसान जिनको ताकत नहीं दी हुई है या जिनके अंदर ताकत नहीं है वो अचानक से तुम्हारे आने की वजह से कभी किसी गाड़ी से गिर के तो कभी किसी चीज से टकरा के तो कभी किसी चीज के उसके ऊपर गिरने से
आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फुल साउंड तो मेरे हाथ में रखा हुआ है, मैंने माइक तो। सर आवाज नहीं आ रही है, अब जोर से और जोर से बोलो, अभी आ रही है। ओके एनी हाउ यू आर क्रम्बलिंग द बॉडीज, तुम शरीरों के साथ नुकसान करते हो। किसी पर कुछ गिरा देते हो तो कोई खुद गाड़ी पर से गिर जाता है, तो कभी कोई किसी चीज से टकरा जाता है। इतना ही नहीं, यू आर क्रम्बलिंग द लाइव्स, तुम जीते जाते लोगों के साथ खिलवाड़ करते हो, उनकी जिंदगी को बर्बाद करते हो। यू आर क्रम्बलिंग द हार्ट्स, तुम तो कुछ लोगों के हार्ट्स के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द हार्ट्स, यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ द पीपल, मतलब तुम कभी कभी मार भी देते हो कुछ लोगों को। और इसके बाद जब पोएट आगे बढ़ता है तो क्या कहता है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड जो है ये एक प्रकार से फार्मिंग में जो विनोइंग की प्रोसेस होती है ना, कभी देखा है, सेपरेट करते हम वीक को, स्ट्रॉन्ग के अंदर से वीक कैरेक्टर्स को, जैसे सुपड़ा होता है ना, सुपड़ा जिसके अंदर हम गेहूं या जो भी चीजें होती है ग्रेन्स होते हैं उनको रखते हैं, और उनको जब उछालते हैं तो उसमें से कचरा आगे आता है, सेपरेट हो जाता है, और हेवी जो है वो पीछे रह जाता है। तो उसी तरह से इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। सुपड़े को हिलाने से जैसे हम क्या करते हैं, उसमें से कचरा निकाल देते हैं और हेवी चीजों को पीछे रखते हैं, तो वो विनोइंग की प्रोसेस जब भगवान विंड गॉड विंड जब करता है तो उसमें से कमजोरों को निकाल देता है, और हेवी जो है जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है उनको जिंदा रखता है, एंड क्रशेस देम ऑल। और इसलिए पोएट एक सजेशन देना चाहता है यहाँ पर कि गॉड उनके साथ हमेशा मजाक करेगा जो इस दुनिया में कमजोर रहेगा उनके साथ। ओके हमेशा क्या करता है गॉड, मजाक करता है जो कमजोर होंगे, और इसलिए भगवान खुद हमें इस पोएम के, सॉरी पोएट खुद हमें इस पोएम से मैसेज देना चाहता है कि प्लीज ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। जो आगे लिखा है पोएट ने, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। आगे पोएट देखो क्या कहता है, एकदम मस्त लाइन लिखी हुई है। हमें, हम इंसानों को एक मैसेज दे रहा है, तुम कितना भी उनको समझाओ, उस विंड को कितना भी समझाओ या गॉड के सामने हाथ फैला के बैठ जाओ, तुम्हारी बात भगवान मानने वाला नहीं है, भगवान तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, गॉड विंड तुम्हारी बात को समझने वाला नहीं है, जो तुम बताओगे वो वैसा नहीं करेगा। इसलिए हम इंसानों को एक काम करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे पोएट सभी इंसानों को एकजुट होकर उनको एक साथ आने के लिए क्या कहता है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से टू द होल ह्यूमन फैकल्टी और द ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। सो ऑल माय डियर पीपल कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। सादा सिंपल मैसेज है, आओ हम सब मिलकर हमारे शरीर को, हमारे घरों को, शरीर मतलब यहाँ पर घर है याद रखना, इट्स अ सिंबलाइज्ड पोयम। ये मैसेज सब अलग अलग सिर्फ घरों के द्वारा हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए यूज किया गया है। सो लेट अस कम टुगेदर एंड बिल्ड द स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली। आओ हम सब मिलकर हमारे दरवाजों को, जिनको विंड कुछ नहीं कर पाएगा, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, हम यूनाइटेड हो जाते हैं, हम एक साथ में इंटीग्रेट हो जाएंगे और एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फर्मली, स्ट्रॉन्गली। लेट अस ऑल कम टूगेदर प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। चलो हम सब मिलकर एकजुट हो जाते हैं और हमारे शरीर को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। चलो हम सब एकजुट हो जाते हैं और हम अपने हार्ट्स को, लेट अस मेक आर हार्ट्स वेरी फर्म एंड डिटरमाइंड। फर्म एंड डिटरमाइंड मीन्स स्टीड फास्ट, टू मेक समथिंग वेरी स्ट्रॉन्गर वन, ओके, वेरी हेवी विच कैन बी एबल टू फेस ऑल द कैलामिटीज, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। तो इसलिए शरीर के साथ साथ हम अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाए, किसी कमजोर की तरह ना रहे कि थोड़ा बहुत किसी ने डांट दिया रोना शुरू हो गया, गंगा जमुना बहने लग गए। तो इसलिए प्लीज करके सब जन आकर हम स्ट्रांग
बनाने की कोशिश करते अपने आप को. एंड इन द एंड ऑफ द पोयम डू दिस, सिर्फ इतना करके देखो. सब इंसानों को वो मैसेज देते हैं डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड फ्रेंड विद अस. चलो हम एक बार ऐसा करके देखे ना, तो पता है क्या होगा, देखना विंड हमारे लिए एक दोस्त की तरह बन जाएगा. गॉड विंड हमारा एक अच्छा दोस्त बन के हमारे साथ रहेगा, वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. विंड की एक खासियत है, दोनों काम करता है, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता. विंड क्या करता है यहाँ पर, विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमजोर फायर्स हैं, जो कमजोर आग है उसको वो बुझा देता है. और अगर आग अच्छी है ओके, तो उसे वो चिंगारी की तरह भड़का के बड़ी आग बना देता है. मतलब दो प्रकार की आग है दुनिया में, अगर आग कमजोर है तो उसको बुझा देगा, और यही विंड सेम विंड जब जोर से बहकर आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग फायर्स को भी क्रिएट करता है, एक चिंगारी से बड़ी आग भी तैयार करता है ओके. और जोर से लपटे निकलना शुरू होती है, और उन लपटों की आवाज जो आती है उसको रोरिंग साउंड है, मींस फायर्स आर रोरिंग. आग जानवर की तरह रोरिंग कर रहे हैं, यहां पर हम उसको पर्सोनिफाइड नहीं बोलते हैं, याद रखना. इंसान की क्वालिटी नहीं है रोरिंग, हाँ ये याद रखना. फायर्स रोर, फायर को कुछ करने की या कुछ बोलने की ताकत दी हुई है. एंड इट फ्लरिश ओके, टू फ्लरिश एनीबडी, टू फ्लरिश टू ग्रो हेल्दी एंड वाइगरस, बहुत हेल्दी बनना और बहुत ही तूफानी बन जाना, या एकदम भयंकर तूफान की तरह वो आग की लपटे रोरिंग करती है और बढ़ती जाती है. एंड इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम हियर, हिज फ्रेंडशिप इज गुड. विंड की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी. वी प्रेज हिम एवरी डे, क्योंकि हम इस विंड को हर दिन प्रेज करते हैं, क्योंकि विंड जब तक हमें ये सबक नहीं सिखाएगा तब तक हम सुधरने वाले नहीं है. जब तक विंड हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगा तब तक हम सीखेंगे नहीं कि हमें अपनी चीजें कैसे रखनी चाहिए, हमें कैसे स्ट्रांग बनना है. और ये इसलिए करता है क्योंकि भगवान खुद यानी कि विंड गॉड खुद ये चाहता है कि सब जन मेरा सामना डट के करना, वरना बर्बाद हो जाओगे. नाउ आई एम हैंडिंग द सेशन हियर. आई होप यू माइट हैव गॉट द पोएम वेरी प्रॉपरली. एंड नाउ इन द नेक्स्ट सेशन ऑन थर्सडे वी विल मीट अगेन एंड सी व्हिच इज द नेक्स्ट लेसन एंड व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेसन. ओके.